आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले ढोंगी और निर्दयी इंसान की इंसानियत खत्म होती दिखाई दे रही है। मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां एक युवक जल्लादों की तरह एक निहत्ती और लाचार महिला को बेरहमी से पीट रहा है और तमाशबीन बने ये लोग मूक दर्शक बनकर पूरा तमाशा देख रहे हैं। ये जल्लाद इस महिला को मारता धुतकारता रहा, जबरन उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर उसको जख्मी कर दिया, लेकिन तमाशा देख रहे लोगों में किसी एक का भी दिल नहीं पसीजा। हाँ भाई, मार और गालियां खाने वाली वो महिला इनके घर से जो नहीं थी, तो क्यों आते मदद करने के लिए आगे? हद तो तब हो गई जब पीड़ित महिला अपनी आप बीती और जगह लेकर पुलिस कर्मियों के पास पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई करने की जगह हमारे रखवाले कहलाने वाले ये प्रतिहारी उल्टा महिला को फटकार कर चौकी जाने का रास्ता दिखाने लगे। जख्मी और लाचार महिला को पुलिस चौकी का रास्ता दिखाने वाले इन वर्दी धारियों से नेशन होन ये सवाल करना चाहता है कि जब इन्हें घटना स्थल पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, अपनी मुस्तैदी का परिचय देने में जब ये वर्दी धारी असमर्थ हैं, तो क्यों वर्दी पहन तैनात हैं यहाँ पर ये लोग? पुलिस चौकी ही जाएं और आराम फरमाएं। खड़े होने की जहमत भी क्यों उठा रहे हैं ये वर्दी धारी? एक बार फिर देखिए कैसे ये जल्लाद महिला को रिक्शा पर गिरा कर मार रहा है, पीट रहा है, गालियां देकर धुतकार रहा है और लाचार महिला पिटती रही और अपनी मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आते जाते तमाशा देख रहे इन लोगों के दिलों में शायद ईश्वर जज्बात डालना ही भूल गया। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी और कनक बिष्ट की रिपोर्ट।